हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालजो सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का न्यू चैप्टर, दैट इज सेंस ऑर्गन। इस चैप्टर में हम लोग आई एंड ईयर को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम लोग आई टॉपिक को कवर करेंगे, देन हम लोग ईयर को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सेंस ऑर्गन्स, द सेंस ऑर्गन्स एनेबल्स अस टू बी अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ आवर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंट। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या फिर हमारे बॉडी का जो एनवायरनमेंट है जिसको हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, उससे अवेयर कौन कराते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन कराते हैं। द मेजर सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आर आईज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। ये तो सबको पता है। आईज किसके लिए सेंसिटिव है? लाइट के लिए। ईयर्स किसके लिए सेंसिटिव है? साउंड के लिए। टंग किसके लिए सेंसिटिव है? टेस्ट के लिए। नोज स्मेल के लिए एंड स्किन टच के लिए सेंसिटिव है। इन एडिशन देयर आर ऑल्सो सेंसेस ऑफ बैलेंस, बॉडी मूवमेंट, हंगर, थर्स्ट, पेन एसेट्रा। इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आना, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है बॉडी में चेंजेस आना, तो बॉडी के जो बैलेंस है वो भी तो आपका सेंस करा जाएगा, उसको भी बॉडी के मूवमेंट्स में भी आपका बीच में सेंसेस होगा। आपको जब भूख लगती है तो अंदर से फील होता है ना हंगर, या थर्स्ट, आपको कब प्यास लग रही है, पेन भी फील होता है, इनके लिए भी तो आपका सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्ड करेंगे। द एक्चुअल सेंसेशन इज परसीव्ड बाय द सेंसरी सेल्स लोकेटेड इन दीज ऑर्गन। जो सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं उसको रिसीव कौन करता है, परसीव करने का काम कौन करता है? यही ऑर्गन्स करते हैं जिसमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। तो हियर रिसेप्टर्स को स्टडी करते हैं। रिसेप्टर आपका कोई भी स्पेशलाइज टिश्यू है या फिर सेल है जो कि सेंसिटिव होती है स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या फिर बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आना जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, दैट चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम या सेंस करने का काम कौन करता है? रिसेप्टर करते हैं, और ये रिसेप्टर या तो टिश्यू होते हैं या फिर सिंगल सेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, मैकेनिकल रिसेप्टर्स या फिर आपका मैकेनो रिसेप्टर्स फॉर टच प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या सरफेस को टच करते हो बता पाते हो ना, रफ है या स्मूथ है, कैसी पॉइंटेड है, स्पाइनी सरफेस है, या फिर जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट को रीड करते हैं बाय टचिंग फिंगर से टच करके उन पर्टिकुलर लेटर्स को, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट कीमो रिसेप्टर, केमिकल्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे? टंग में होंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप खाते हो अलग अलग टेस्ट की, सॉल्ट, स्वीट, चिली, तो ये आपके टंग में रिसेप्टर्स होंगे। एज वेल एज जो आप स्मेल्स लेते हो वो स्मेल्स आप अलग अलग स्मेल बता पाते हो, किस चीज की स्मेल है, मैंगो की अलग है, ऑरेंज की अलग है, तो वो कहाँ पे होंगे? नोज में होंगे। तो कीमो रिसेप्टर्स आपके टेस्ट के लिए जो कि टंग में एंड स्मेल के लिए जो नोज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए, तो ये रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जो कि रेटिना ऑफ द आई में प्रेजेंट होते हैं, और ये किसको रिसीव करते हैं? सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? लाइट के लिए होते हैं। आई के आई इमेज को डिटेल में जब स्टडी करेंगे तब इनको भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, तो ये हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर होते हैं, ये भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कोई हॉट ऑब्जेक्ट को या आप कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हो आपको तुरंत फील हो जाता है, या बाहर का जो भी टेम्परेचर होता है आपको फील हो जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड है, तो ये भी इसके भी रिसेप्टर्स आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं विच आर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। एंड फोनो रिसेप्टर्स आपके किसके लिए सेंसिटिव होंगे? फोनो मतलब साउंड, साउंड के लिए आपका सेंसिटिव होंगे, एंड इट इज लोकेटेड इन ईयर। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि सेंस ऑर्गन्स में आपके प्रेजेंट होते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। स्टार्ट करते हैं आई टॉपिक को। आई का जो पहला पार्ट है, आई के जो सराउंडिंग और पार्ट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। तो आईज जो लोकेटेड होती हैं, जो सॉकेट में लोकेटेड होती हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कल, तो आई में ये जो स्कल में आपका ये डिप्रेशन दिया गया है, जो सॉकेट दिया गया है, इसी में ही आई आपका लोकेटेड होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस को ऑर्बिट, इस सॉकेट को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्यों बनाई गई? भाई आई आपका सेंस ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन है, अंदर को रखी होगी, जैसे कोई इंसान गिर गया या किसी ने ऐसे मार दिया तो आई आपकी प्रोटेक्टेड रहे, ये इतना पार्ट बाहर को रहे, आई आपका सॉकेट के अंदर।
हियर द टू आईज आर लोकेटेड इन डीप सॉकेट्स और ऑर्बिट्स ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड। ईच आई इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल। दोनों ही आई बॉल के फॉर्म की होती है एंड कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ सिक्स मसल। इधर देखते हो आप, साइड में देखते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये मसल्स की वजह से ये मूव भी कर पाती है आई सॉकेट में। आईज जो होती है सॉकेट में मूव कर पाती है। नेक्स्ट जो है आईलिड्स हैं, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं, ये देखिए ये आईलिड्स प्रेजेंट है, ये आईलिड है और नीचे है जिसमें आईलैशेस भी प्रेजेंट है। आईलिड्स आईलैशेस हैं, ये देखिए ये आईलैशेस भी हैं। तो अपर एंड लोअर आईलैशेस में ज्यादा लाइट आ गई या फिर डस्ट पार्टिकल आए, आप क्लोज कर लेते हो अपनी आईज को इनलेट्स के थ्रू। तो आईलिड्स द अपर एंड लोअर मूवेबल आईलिड्स प्रोटेक्ट द आउटर सर्फेस ऑफ द आईज एंड कैन शट आउट द लाइट। लाइट रुक जाती है जैसे आप आईज को क्लोज करते हो। ईच आईलिड कैरीज आउटवर्डली कर्व आईलैशेस प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ अ लार्ज पार्टिकल इन टू द आईज। लार्ज पार्टिकल्स ना जा पाए आईज में। आप कोई चीज देख रहे हो तो कोई भी चीज अगर बहुत धूल आ रही होती है तो उसी में ट्रैप हो जाता है, अंदर आईज में ना जा पाए। नेक्स्ट है आईब्रोज। सबको पता है ये ऊपर की साइड है तो ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करती है। ऑल दो वर्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ आई, ये आई का पार्ट नहीं है, ऊपर की प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्टिव है ये भी इन फंक्शन। दे प्रिवेंट द रेन ड्रॉप और ट्रिकलिंग पर्सपिरेशन फ्रॉम गेटिंग इन टू द आईज। जैसे बारिश हो रही है तो ये साइड से वाटर की जो ड्रॉपलेट है साइड से चली जाए, या फिर बहुत किसी को स्वेटिंग हो रही है तो वो स्वेट भी साइड से चला जाए। तो ये आपके कुछ आउटर पार्ट्स प्रेजेंट थे सराउंडिंग द आईज। नेक्स्ट है हमारे टीयर, नॉट टीयर डक, टीयर ग्लैंड्स जिनको हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ये लेक्राइमल ग्लैंड्स आपका अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट के अपर साइड में कॉर्नर्स पे। लेक्राइमल ग्लैंड्स इनका जो सिक्रीशन होता है लुब्रिकेशन का काम करता है। टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं इसी से। टीयर्स में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि जो आई होती है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है तो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए टीयर्स में आपका लाइजोजोम प्रेजेंट होता है जो कि किल कर देता है। लाइजोजोम किल करता है जो भी आपके फॉरन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको किल करने का काम करेगा। तो हियर दे आर लोकेटेड एट द अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। ऊपर की साइड लोकेटेड होते हैं। 6 to 12 डक्ट्स ऑफ ग्लैंड पोर द सिक्रीशन ओवर द फ्रंट सरफेस। यहाँ पे जो डक्ट होती है वो 6 to 12 होती है। जो भी सिक्रीशन होता है इन्हीं डक्ट के थ्रू आई की अपर सरफेस, पूरी जो सरफेस है ओपन सरफेस है वहाँ पे स्प्रेड होता है, आ जाता है, पोर हो जाता है। और आई लिड्स की वजह से जब आई लिड्स ऊपर नीचे आपका बंद खुल रही होती है तो ब्लिंक कर रही होती है तो इससे आपका ये जो लुब्रिकेंट सरफेस, जो लुब्रिकेंट है वो पूरी आई की सरफेस पे क्या हो जाता है, फैल जाता है, लुब्रिकेंट का काम करेगा। तो द मूवमेंट ऑफ द आईलेट्स ब्लिंकिंग, जिसको आप आई ब्लिंकिंग बोलते हो, स्प्रेड द लिक्विड विच मेनली सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट का काम करता है ये जो फ्लूइड होता है, क्योंकि आप बार 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 आईलेट्स को बंद कर रहे हो या ब्लिंक कर रहे हो आईज को तो फ्रिक्शन होता है। वो फ्रिक्शन ना हो तो लुब्रिकेंट की जरूरत होती है। वो लुब्रिकेंट कहाँ से आता है, टीयर ग्लैंड से आता है, लेक्राइमल ग्लैंड से आता है। द टीयर्स ऑल्सो कीप्स द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई क्लीन बाय वॉशिंग अवे द डस्ट पार्टिकल। कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाता है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो वॉश ऑफ हो जाता है टीयर्स के थ्रू। और जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल जाता है टीयर्स बहुत पहले ही आ जाएंगे क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल वो टीयर्स के थ्रू बाहर आ चला जाए। दे ऑल्सो हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। जो आपका टीयर्स है उसके में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है ड्यू टू द एंजाइम। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज ड्यू टू किस एंजाइम की वजह से, लाइजोजाइम विच किल्स द जर्म। ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टीयर्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसके पास एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इट इज लाइजोजाइम। एंड ग्लैंड का नाम पूछा जाता है, टीयर ग्लैंड का नाम पूछा जाता है, कौन सी ग्लैंड आपकी लोकेटेड होती है जो कि टीयर्स को सिक्रीट करती है, इट इज लेक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड। नेक्स्ट है टीयर डक्ट। टीयर डक्ट अभी हम लोगों ने देखा 6 से 12 प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू उसका जो लेक्राइमल ग्लैंड है उसका सिक्रीशन पोर होता है आई में। तो दीज डक्ट ड्रेन ऑफ द लिक्विड इनटू अ सैक लाइंग एट द इनर एंगल ऑफ द आईज, जिसको हम लोग नेजो लेक्राइमल डक्ट, कंडक्ट द सिक्रीशन इनटू द नेजो कैविटी। ये जो ग्लैंड्स हैं अब देखिए डायग्राम में, ये आपका नेजो लेक्राइमल डक्ट है। यहाँ से जो सिक्रीशन आया आई की सरफेस पे पूरे पे स्प्रेड हो गया एंड लेक्राइमल डक्ट के थ्रू ये लेक्राइमल सैक में आ गया।
लेक्राइमल सैक यहाँ पे है, इस सैक में है, और इस सैक से ये डक्ट के होते हुए नोज में भी ओपन हो जाता है, नोज में ओपन होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आई ड्रॉप आपका आईज में डाला गया वो नोज में आ जाता है, तो वो इसी डक्ट के थ्रू आता है। तो ये जो सिक्रीशन है लेक्राइमल ग्लैंड का, ये आपका लेक्राइमल सैक में आता है, वो फिर नेजो लेक्राइमल डक्ट में आता है और नोज में जो ओपन होता है। नेक्स्ट, पॉइंट अनेजो लेक्राइमल डक्ट कंडक्ट द सिक्रीशन टू द नेजल कैविटी। लेक्राइमल सैक, लेक्राइमल ग्लैंड एंड लेक्राइमल डक्ट, इन सब में डिफरेंस है। ऑल ऑफ अस हैव समटाइम्स एक्सपीरियंस्ड दैट मेडिसिन ड्रॉप्ड इनटू द आईज कम इनटू द नोज इवन इनटू द थ्रोट। नोज से फिर थ्रोट में भी आ जाती है। दिस हैपन थ्रू द अबव मेंशन डक्ट, नेजो लेक्राइमल डक्ट की वजह से होता है। अगेन फोकस ऑन दीज वर्ड, इट इज अ ग्लैंड जिससे सिक्रीशन आपका आई की सरफेस पे आएगा, डक्ट ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड, फिर लेक्राइमल डक्ट के थ्रू ये लेक्राइमल सैक में फिल हो जाता है। ये फ्लूइड अगर ज्यादा नहीं है, मतलब बाहर वॉश ऑफ नहीं हो रहा है, एंड फिर ये डक्ट और होती है जो नोज में ओपन होती है, और नोज कहाँ पे ओपन होती है, थ्रोट में। जब आई में आई ड्रॉप डाला जाता है तो नोज में एंड देन थ्रोट में आ जाता है कभी कभार। ड्यू टू इरिटेशन और इन सर्टेन इमोशनल स्टेट्स द टीयर ग्लैंड पोर आउट अ लॉट ऑफ लिक्विड विच वाटर्स द आइस, पूरी आइस धुल जाती है ना, और कोई बच्चा रो रहा होता है, कोई भी रो रहा होता है, तो पूरा आइस वाटर वाटर टीयर्स ही आते हैं। और ओवरफ्लोज ऑफ टीयर्स, यू मे शेड टीयर्स बोथ इन ग्रीफ एंड एक्सट्रीम जॉय। तभी लोग आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, दुख होता है, तो टीयर्स तो आ ही जाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ टीयर्स, लुब्रिकेट द सर्फेस ऑफ द आई, आई की सर्फेस को लुब्रिकेट करने का काम करता है, वॉश अवे द डस्ट पार्टिकल, हेल्प इन किलिंग जर्म्स, कम्युनिकेट इमोशंस, इमोशंस को कम्युनिकेट करने का भी काम करता है। तो दो फंक्शन मोस्टली पूछे जाते हैं कि टीयर्स के दो फंक्शंस बताइए। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा आपकी एक लेयर होती है जो आई को और बाहर से आपको कवर कर रही होती है, एक लेयर होती है, लेकिन आई बॉल के सर्फेस पे इसकी जो लेयर होती है वो थिन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कंजंक्टिवा को, ये जो लेयर है आई लैशेस के साथ कंटिन्यू है, पीछे को गई, ये जो फ्लैप होता है ना पीछे की साइड जाती है, और फिर सिर्फ फ्रंट से, पूरी आई को नहीं कवर करे, सिर्फ फ्रंट से, और जैसे ही ये जो ओपन सरफेस इसके ऊपर आती है तो ये आपकी थिन हो जाती है। इसके ऊपर ये कैसी है, इसके ऊपर ये थिन है, और ये फिर नीचे जाके कंटिन्यू हो जाती है नीचे वाली आईलेट्स के साथ, नीचे वाली आईलेट के साथ ये कंटिन्यू हो गई है और ये इस तरह से ऊपर को आ गई है। तो ये थिक तो है ऊपर अपर एंड लोअर आईलेट के साथ, और सामने फ्रंट से इसकी लेयर बिल्कुल सिंगल लेयर हो जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है कंजंक्टिवा की, और ये भी प्रोटेक्शन का काम ही करती है। अगर हम बात करते कैसे ये ट्रांसपेरेंट है, आई के सामने भी आ रही है, सबने हल्की सी लेयर कहीं ना कहीं, तो ड्राई लेयर्स, आजकल विंटर्स का टाइम है, सबकी लिप्स की लेयर्स भी हटती हैं, तो जो एक डेड सी लेयर हटती है वो ट्रांसपेरेंट ही तो होती है। सिमिलरली यहाँ जो कंजंक्टिवा है वो आई लैशेस के साथ, आई लिड्स के साथ तो आपके थिक है, लेकिन जैसे ही आई के फ्रंट साइड पे आती है ट्रांसपेरेंट होती है, एंड फिर से नीचे लोअर आईलिड्स के साथ कंटिन्यूएशन में, लेकिन पूरी आई को बैक साइड से कवर नहीं कर रही है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन बैक साइड से पूरी आई को कवर नहीं कर रही है, सिर्फ फ्रंट साइड में ही कंजक्टिवा लेयर प्रेजेंट है, बैक साइड पे नहीं है। तो रीड कर लेते हैं, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, फ्रंट पार्ट आई का कवर कर रही है, अपर साइड में, लोअर साइड में, अंदर की साइड है। इट इज कंटिन्यूअस विद द इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स के साथ कंटिन्यूअस है, बैक साइड पे आई की नहीं गई है। ओवर द कॉर्निया, ये जो फ्रंट पार्ट होता है ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, कॉर्निया के ऊपर जहाँ से आप देखते हो, कॉर्निया जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। इट इज रिड्यूस टू अ सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट एपिथीलियम, क्योंकि यहीं से ही आप देख पा रहे हो तो ये आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, सिंगल लेयर की होती है। यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड अबाउट ऑफ अ वेरी कॉमन आई डिजीज कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस वर्ड किसी में भी होता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग, तो यही स्वेल कर जाती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन विच दिस आउटर मोस्ट लेयर टर्न्स रेड ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से रेड हो जाती है, स्वेल कर जाती है, पेन भी होता है और रेड हो जाती है। तो ये आपके कुछ आउटर पार्ट्स है जो कि आईज के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, आउटर पार्ट्स या आईज को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, कहाँ पे आईज लोकेटेड है। तो हियर द बोनी ऑर्बिट सॉकेट, ऑर्बिट सॉकेट, आईब्रोज, टियर ग्लैंड्स, कंजंक्टिवा,
सर्व्स फॉर आई प्रोटेक्शन इन देयर ओन वे, अपनी तरह से आई के प्रोटेक्शन का में काम करती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।